हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब मैं महक आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल न्यू किटी गेम्स इत महक में दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हूं एक बहुत ही प्यारी सी और इंटरेस्टिंग सी किटी गेम लेकर तो चलिए शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले प्लीज़ अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया ना तो लाइक और सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बैल ज़रूर ज़रूर दबाओ लगभग डेली एक गेम आती है नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा करना क्या है इस गेम के लिए आपको हाउजी के चिट्स चाहिए और हाउजी के नंबर्स चाहिए बस इसी के साथ हमारा गेम होने वाला है हाउज़ी नहीं गेम होने वाला है करना क्या है ये है ना दो दो के बीच में गेम होगी जो सारे किटी मेंबर्स हैं आप जैसे टेन हैं टेन किटी मेंबर्स हैं तो दो दो के बीच में एक एक गेम खिलाई जाएगी यानि पा, ऐसे पाँच पेयर बन जाएंगे लेकिन बाय द वे इलेवन किटी मेंबर हैं तो क्या तो जो इलेवंथ किटी मेंबर है ना उसके साथ होस्ट खेल लेगा अभी Uh, अकेला कोई क्यों खेलेगा तो सबसे पहले चिट्स सबकी डालेंगे हम लोग सारे किटी मेंबर्स की चिट्स बनाएंगे और डालेंगे जो जो भी दो दो चिट हम लोग साथ में निकालेंगे वो होस्ट भी निकाल सकता है कोई और भी निकाल सकता है जो भी दो चिट साथ में निकली वो दो पेयर साथ में खेलेंगे फिर दो चिट जो साथ में निकली वो दो पेयर साथ में खेलेंगे और अगर कोई सिंगल बचता है अगर कोई भी एलेवेंथ प्लेयर है तो फिर उसका जो गेम है जो लास्ट चिट बचेगी उसको होस्ट के साथ खिलाया जाएगा अभी दोनों को एक एक चिट देंगे हम लोग उन दोनों को हाउसी के नंबर्स में से बीस बीस नंबर निकालने हैं ठीक है ठेके? तो जैसे ये कितने नंबर इसने निकाले वो भी बिना देखे निकालने हैं ये जो है आपको एक पॉली बैग में लेना है जिसमें दिखाई बिल्कुल भी ना दे कि नंबर कौन से हैं तो उसको बीस नंबर हाथ डाल के निकाल लेने हैं ये कितने हुए तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस ठीक है चार, ये चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस बीस ये हो गए बीस नंबर अब ये वाला कितने नंबर निकालेगा इसके भी नंबर हम लोग अंदर डालते हैं क्यों निकालते हैं कितने नंबर हो गए इसके एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह सोलह पंद्रह सोलह सत्रह और दो वो और निकालेगा बीस ऐसे बीस नंबर हरे कितने मेंबर को निकालने हैं अब ऑब्वियसली जिसके सबसे ज्यादा नंबर इसमें होंगे वो विन करेगा जैसे अभी हम चेक करते हैं कि इसमें इसके कितने नंबर हैं तो फाइव भी नहीं है थ्री भी नहीं है सिक्सटी फाइव भी नहीं है सिक्सटी एक नंबर आया एक नंबर आया दूसरा फिर क्या क्या है ट्वेल्व ट्वेल्व है फिफ्टी सेवन फिफ्टी सेवन नहीं है एट एट भी नहीं है एटी सेवन एटी सेवन टिक किया वन वन भी नहीं है और कितने नंबर है और इतने नंबर थर्टी फाइव भी नहीं है फिफ्टी है एक और ये एक लगाया थर्टीन सेवेंटी वन थर्टी ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव भी नहीं है फिफ्टी एट भी नहीं है ट्वेंटी टू भी नहीं है थर्टी थ्री भी नहीं है तो इसके कितने नंबर हुए इसके हुए वन टू थ्री फोर फोर नंबर इसके हुए जो आए इसमें अब इसके नंबर चेक करते हैं किसके नंबर कितने आए ये देख लेते हैं हम लोग फोर्टी है क्या नहीं है ये हटाया सिक्सटी एट भी नहीं है ट्वेंटी सिक्स है ट्वेंटी सिक्स एक लगाया हमने सिक्सटी नाइन हाँ है ये लगाया फोर्टी सिक्स नहीं है नाइन्टी भी नहीं है ट्वेंटी सेवन भी नहीं है ट्वेंटी वन भी नहीं है फिफ़्टी वन भी नहीं है सेवेंटी नाइन भी नहीं है एटी एट भी नहीं है एटी फोर एटी फोर भी नहीं है टू टू हाँ एक है उसके बाद सेवेंटीन नहीं है फिफ्टी भी नहीं है सिक्सटी भी नहीं है एटी भी नहीं है फिफ्टी नहीं है सिक्स भी नहीं है यानी इसके कितने हुए इसके टोटल थ्री हुए इसके फोर हुए इसके थ्री हुए तो इसमें से विन किसने किया इसने किया अब ये रहेगा गेम में और वो वाला बंदा निकल जाएगा इसी तरीके से पांच पेयर बने होंगे अगर दस के टीम मेंबर हैं तो पांच पेयर बने हुए होंगे अब पांच में से एक एक जना उस न, 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 विन करेगा यानी पाँच लोग उसमें से विन करेंगे पाँच लोग विन करेंगे अब उसके फिर से दो दो पेयर बनेंगे अब वो चिट्स के साथ बना लो या आप ऐसे भी डिसाइड कर सकते हो फिर उनमें से दो पेयर बनेंगे और एक सिंगल बचेगा पांच में से ऑब्वियसली एक सिंगल बचेगा वो फिर एक सिंगल होस्ट के साथ खेलेगा तो अगर होस्ट के साथ वो जीत जाता है तो वो आगे बढ़ेगा अदरवाइज़ वो निकल जाएगा अभी हम लोग पाँच किटी मेंबर थे उसमें से दो दो के पेयर बने ये चार लोग हो गए और एक जने ने किटी मेंबर के साथ खेला अब इन दो पेयर में से भी एक जना विन करेगा इसमें से भी एक जना विन करेगा और अगर किट जो एक बचा है और जिसने होस्ट के साथ खेला है अगर वो भी जीत जाएगा तो वो भी एक बचेगा अभी फिर इन तीनों में से एक का पेयर बनेगा यानी दो लोग साथ में खेलेंगे और एक होस्ट के साथ खेलेगा तो इनमें से जो भी जीतेगा वो एक फ़ाइनल फर्स्ट विनर होगा और उसके बाद अगर ये होस्ट से जीत जाता है तो ठीक है ये भी आगे बढ़ेगा फिर इन दोनों के बीच में गेम होगी अदरवाइज़ अगर ये आउट हो जाता है हाउस के साथ तो इन दोनों में से फर्स्ट और सेकंड डिसाइड हो जाएगा तो अगर आप इलेवन मेंबर्स हैं या थर्टीन मेंबर्स हैं या विषम मतलब जो भी ऑड नंबर्स हैं उसमें हैं तो एक को होस्ट के साथ खेलनी पड़ेगी अगर आप ई नंबर भी हैं तो फाइनली फिर से जो एक राउंड होगा उसमें एक ना एक जना बचेगा उसको फिर से होस्ट के साथ खेलनी पड़ेगी तो फाइनली लास्ट में आपके साथ आपके सामने विनर आ ही जाएगा ऐसा कोई इश्यू नहीं रहेगा लेकिन एक गेम बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगी दो दो के बीच में रहेगी तो गेम बहुत मज़ा भी आने वाला है तो आई होप गेम समझ गए होंगे कि कैसे खेलनी है और कौन विन करेगा अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय